नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आज लखनऊ के कानपुर रोड स्थित वन स्टॉप सेंटर एवं लोकबंधु हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में सखी वन स्टॉप शॉप खोले जाने की घोषणा की, ताकि वन स्टॉप सेंटर में ट्रेनिंग ले रही घरेलू हिंसा से पीड़ित एवं आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं के उत्पादों को बेचकर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजधानी लखनऊ में बबीता चौहान ने घरेलू हिंसा से पीड़ित एवं गरीब तबके की महिलाओं के लिए काम कर रही वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। वन स्टॉप सेंटर में टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्यूटिशियन, वेलनेस, होटल मैनेजमेंट इत्यादि की ट्रेनिंग ले रही घरेलू हिंसा से पीड़ित एवं गरीब तबके की महिलाओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान वन स्टॉप सेंटर के कामकाज से संतुष्ट नजर आई और मौके पर उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में सखी वन स्टॉप शॉप खोले जाने का आश्वासन भी दिया, ताकि ट्रेनी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचकर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। बबीता चौहान ने वन स्टॉप सेंटर की पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान इंचार्ज वन स्टॉप सेंटर अर्चना सिंह ने केंद्र के अन्य कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को तुलसी का पौधा भेंट किया। इसी क्रम में आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह ने लोकबंधु हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायनकोलॉजी एवं पेडियाट्रिक्स वार्ड का निरीक्षण भी किया और मरीजों से बातचीत की। अस्पताल की व्यवस्थाएं एवं साफ सफाई देखकर बबीता चौहान संतुष्ट नजर आईं। इस मौके पर उन्होंने भर्ती गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं से अस्पताल में मिलने वाले पोषक आहार के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य, डिप्टी डायरेक्टर महिला कल्याण विभाग प्रवीण त्रिपाठी, वन स्टॉप सेंटर इंचार्ज अर्चना सिंह, डायरेक्टर लोकबंधु हॉस्पिटल सुरेश कुमार कौशल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित सहित अस्पताल के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मैम, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार वन स्टॉप सेंटर पे आई हैं, कैसा लगा, क्या देखा आपने? आज पहली बार लखनऊ में आज पहली बार मैं आई हूँ, बाकी तो और कई जगह मैं जा चुकी हूँ, बट यहाँ आके मुझे अच्छा लगा और देख के जो यहाँ की इनकी व्यवस्थाएँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यहाँ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। देखा जाए महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वन स्टॉप सेंटर काम कर रहा है, क्या आपको कुछ ऐसी बात लगी कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, कुछ दिशा बदलनी चाहिए? नहीं, अभी तक तो मैंने देखा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि कुछ यहाँ कोई प्रॉब्लम है, बाकी तो जिस प्रोसीजर के तहत सारा काम होना चाहिए वो यहाँ कंटिन्यू हो ही रहा। मैंने रजिस्टर्स भी देखे हैं, कुछ फाइल्स भी देखे हैं, कुछ लोगों के बारे में जानकारी दी, तो यहाँ जो भी है सब बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी से अपने काम करने का काम कर रहे हैं। लोकबंधु हॉस्पिटल का भी आपने निरीक्षण किया, क्या देखा वहाँ? वहाँ देख के तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वहाँ सारा इतना मैंने इतना क्राउड है, इतने पेशेंट हैं, और उसके बावजूद भी सबको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ देखा जा रहा है, सबको समझा जा रहा है। और मैं महिला वार्ड में भी गई घर, तो वहाँ भी जैसे मैंने देखा कि जो डिलीवरी वाली थी महिलाएं जिनके हो गए थे, उनके सारा मैं सब घूम के आई हूँ, जहाँ ऑपरेशन होते हैं, जहाँ बच्चों को लिखा जाता है, जहाँ आफ्टर डिलीवरी उनको रखा जाता है, या जहाँ डिलीवरी से पहले रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, स्पेशली वहाँ की सफाई वफाई को लेकर सब बहुत अच्छा। अध्यक्ष बनने के बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहीं और आपका कारवां कहाँ तक पहुँचा? निरंतर कारवा चल रहा है और मेरी पूरी टीम के साथ चल रहा है, कारवा तो चलता ही रहेगा निश्चित रूप से, कि जहाँ जो कमी होगी मिलेगी तो वो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जहाँ सब अच्छा है वहाँ तो अच्छा है ही, पर हम कई बार एकदम से जाके भी निरीक्षण, हमारी जो बहनें हैं, जो सदस्य बहनें, हम उनको भी कहते हैं कि आप देख के आओ, क्योंकि हो सकता है सूचना से पहले तो तैयारियाँ हो जाती हैं, पर एकदम जाके जब निरीक्षण करते हैं तो शायद कुछ कमियाँ नज़र आए, पर अभी ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, अगर आएगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं को हमारा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उन्हें आत्मनिर्भर हम कैसे बना सकते हैं, उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे काम चल रहे हैं। देखा जाता है वन स्टॉप सेंटर के सामने एक समस्या आ रही है, किसी पीड़ित महिला के को न्याय दिलाने के लिए जब थाने में पैरवी की जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कानाकानी की जाती है मुकदमे दर्ज करने में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, ऐसा है क्या कुछ? थाना थोड़ा बहुत कभी कभी सफर करा हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा अपवाद रहा रहता हो कि जहाँ कुछ
बैठ जाते हैं, जैसे संघ के लोग के साथ एक सहयोग है जो मिलना चाहिए, लगता है कि सहयोग करना चाहिए, अगर नहीं किया जाता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी सूचना आती है कि जहाँ अगर यहाँ से महिलाएं जाती है, यहाँ से क्या कहीं से भी अगर महिलाएं जाती हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी या उनको नहीं सुना जाएगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। मैम, प्रमुख प्राथमिकताओं में क्या है? देखिए, प्रमुख प्राथमिकताओं में तो यही है कि हम महिलाओं को कैसे उनको शिक्षित बना सकते हैं, कैसे उनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सारी महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है और उनको होना चाहिए। और इसमें जो भी, इस रास्ते में जो भी हमारे प्रयास हैं उनको हम निरंतर करते रहेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत है हम पहुँचेंगे, और जिसको भी जो सुविधाएँ हम दिला सकते हैं, जो भी किसी भी तरह की, किसी सेंटर में है, किसी के घर में है, किसी शहर में, जहाँ भी है वहाँ उनको उपलब्ध करें। औचक निरीक्षण को लेकर क्या कहेंगे? लखनऊ में कहाँ कहाँ आपने औचक निरीक्षण किया अभी तक? मैंने तो नहीं किया, नहीं, मेरी टीम यहाँ भी कर चुकी है, सामने अस्पताल में भी कर चुकी है, और कई सारी जगह हैं जो कर चुकी हैं, पर उन्हें भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि जिसको मैं ये बता सकूँ आपको कि ये शिकायत मिली। लगता है थानों में भी इस तरह के निरीक्षण होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो जेल में किए थे, अपने आगरा में किए हैं मैंने, तो मुझे वहाँ सब ठीक ही मिला। पर थानों में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो कम टाइम हुआ, अभी एक महीना हुआ है सबको गठित हुए, तो निरंतर स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें होंगी और सब जहाँ कमियाँ उनको दुरुस्त किया जाएगा, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी और बाकी सब अच्छा चलेगा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।